तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आरक्षण विधेयक पर बयानबाजी का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। आपको बता दें कि राज्यपाल के विरुद्ध बयानबाजी पर पत्र जारी हुआ है, सरकार के टिप्पणी करने पर पत्र जारी हुआ है। तो विधेयक सलाहकार के विरुद्ध हो रही टिप्पणी बयानबाजी को लेकर राजभवन ने पत्र जारी किया है। विधेयक सलाहकार का पद न्यायिक सेवा के जिला जज के समान होता है, तो हाईकोर्ट नियुक्ति करता है विधि सलाहकार। राजभवन के अधिकारी कर्मचारी पर टिप्पणी सही नहीं, तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर राजभवन और राज्यपाल के विरुद्ध हो रही स्तरहीन बयानबाजी को लेकर राजभवन की तरफ से स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया। पत्र के माध्यम से राजभवन ने विधिक सलाहकार के विरुद्ध टिप्पणी के संबंध में कहा कि राजभवन के विधिक सलाहकार जो कि न्यायिक सेवा के जिला जज स्तर के हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त होते हैं, उनके विरुद्ध टिप्पणी करना राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में बोलना उपयुक्त नहीं है। सरकार की ओर से दिए गए जवाबों का राजभवन ने कहा कि सरकार ने राजभवन की ओर से मांगे गए बिंदुओं पर जानकारी नहीं दी है। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां आरक्षण विधेयक पर राजभवन और राज्यपाल के विरुद्ध हो रही स्तरहीन बयानबाजी को लेकर राजभवन की तरफ से स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया है। तो ये हम आपको पत्र दिखा रहे हैं और पत्र में कई बिंदुओं का जिक्र किया गया है। तो आरक्षण विधेयक पर राजभवन और राज्यपाल के विरुद्ध हो रही स्तरहीन बयानबाजी को लेकर आपको बता दें कि राजभवन ने स्पष्टीकरण पत्र जारी किया है। पत्र के माध्यम से राजभवन ने विधिक सलाहकार के विरुद्ध टिप्पणी के संबंध में कहा कि राजभवन के विधिक सलाहकार जो कि न्यायिक सेवा के जिला स्तर के हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त होते हैं, उनके विरुद्ध टिप्पणी करना राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में बोलना उपयुक्त नहीं है। सरकार की ओर से दिए गए जवाबों पर राजभवन ने कहा कि सरकार ने राज्यपाल की ओर से मांगे बिंदुओं पर जानकारी नहीं दी है। तो सरकार के टिप्पणी करने पर राजभवन की तरफ से पत्र जारी किया गया है। तो बयानबाजी को लेकर राजभवन ने पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि सरकार के टिप्पणी करने पर यह पत्र जारी हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर राजभवन और राज्यपाल के विरुद्ध हो रही स्तरहीन बयानबाजी को लेकर राजभवन की तरफ से स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां आरक्षण विधेयक पर राजभवन और राज्यपाल के विरुद्ध हो रही स्तरहीन बयानबाजी को लेकर बुधवार को राजभवन की ओर से स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से आरक्षण विधेयक को लेकर अगर बात करें तो राज्यपाल के विरुद्ध जो स्तरहीन बयानबाजी हो रही है, अब उसको लेकर राजभवन ने स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया है, क्या कुछ इस पत्र में कहा गया है? जी उदय जी, आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर सरकार और राजभवन के बीच तकरार जारी है। लगातार कांग्रेस राजभवन के विधिक सलाहकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विधिक सलाहकार पर लगातार हमलावर हैं कि विधिक सलाहकार के और राजभवन ने पत्र जारी किया है कि विधिक सलाहकार के बारे में टिप्पणी करना अनुचित है। राजभवन ने सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगे थे। राजभवन ने कहा है कि सरकार ने सभी जवाबों को अधूरा दिया है, मतलब सरकार ने सवालों का जवाब अधूरा दिया है। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अभी भी आरक्षण को लेकर तकरार जारी है। तकरार राजभवन और सरकार के बीच जारी है और सरकार के द्वारा राजभवन के विधिक सलाहकार पर हमलावर है और सरकार लगातार विधिक सलाहकार पर हमलावर है। राजभवन के द्वारा पत्र जारी किया गया है कि विधिक सलाहकार के बारे में टिप्पणी करना अनुचित नहीं है। विधिक सलाहकार के विरुद्ध लगातार हो रही है अधिक जानकारी के लिए। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां आरक्षण विधेयक पर बयानबाजी का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। आपको बता दें कि
आरक्षण विधेयक पर राजभवन और राजपाल के विरुद्ध हो रहे स्तरहीन बयानबाजी को लेकर राजभवन की तरफ से स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया है और पत्र के माध्यम से राजभवन ने विधेयक सलाहकार के विरुद्ध टिप्पणी के संबंध में कहा कि राजभवन के विधेयक सलाहकार जो कि न्यायिक सेवा के जिला जज स्तर के हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त होते हैं उनके विरुद्ध टिप्पणी करना राजभवन के अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में भूलना उपयुक्त नहीं है।